नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनपुट लेंथ चेकर बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए, इसमें होगा क्या, जैसे कि आप देखते हैं कहीं कहीं किसी सोशल मीडिया साइट पर जब आप अपना कमेंट डालते हैं, कमेंट की लिमिट होती है, तो वहाँ पे नीचे काउंटर आता है। तो यहाँ पे भी देखिए काउंटर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा है। तो जब इसके अंदर जैसे कि 100 की लिमिट होगी तो यहाँ पर बता देगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये काउंट करता रहेगा पर लेटर। जैसे कि हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया डेवलपर दुनिया, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये टोटल काउंट्स करता है कि कितने लेटर यहाँ पे आपने एंटर कर दिए हैं। ये देखिए, इस दे बेस्ट ट्यूटोरियल, तो ये बनना सिखाएंगे। इसके अंदर जब आप 100 के ऊपर चल जाएंगे तो ये इसका बॉर्डर होगा वो रेड हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जब ये 100 के ऊपर गया तो ये रेड हो गया बॉर्डर, हमने क्योंकि इसमें 100 की लिमिट डाली हुई थी, और जब 99 में आएगा तो सही हो जाएगा। 100 तक इसकी लिमिट है, 101 पे ये रेड हो जाएगा। तो इसको बनाना सीखते हैं। मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर का इंडेक्स फाइल को यहाँ ब्राउज कर लिया है, और देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर मैंने jQuery का cdn लिया है, और यहाँ पे css का स्टाइल सोर्स css को यहाँ पे लिंक कर दिया है। इसको हम बनाना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास लूँगा, इसका नाम होगा इनपुट कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक टेक्स्ट एरिया लूँगा जो कि फॉर्म में यूज़ होता है, टेक्स्ट एरिया। इसकी आईडी लूँगा मैं चेक लेंथ, मीन्स चेक लेंथ हो गई। अब मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल दूँगा, जिससे कि यूज़र को पता चले कि इसमें यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। एंटर योर मैसेज Here. इतना करने के बाद मैं इस टेक्स्ट एरिया के नीचे एक स्पेन नाम से क्लास लूंगा, जिसका नाम होगा काउंटर बॉक्स, और काउंटर बॉक्स के अंदर एक स्पेन लूंगा मैं, उसकी आईडी लूंगा मैं, और यहाँ पे टेक्स्ट काउंट। अब इस टेक्स्ट काउंट के अंदर मैं वो वैल्यू डालूंगा जो कि हमारे टाइप करने पे इंक्रीज और डिक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे जितनी आपको लिमिट डालनी है, जैसे कि हम 100 ले रहे हैं डेमो के हिसाब से। और इसके साथ अब मैं पहले css लिख लेता हूँ। css लिखने के लिए स्टाइल डॉट css पे जाते हैं, और इसका बेसिक पैडिंग और मार्जिन को 0 कर लेते हैं। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड जो होगा उसका कलर दूंगा मैं, यहाँ पे ये होगा ग्रे कलर का, लाइट ग्रे। और यहाँ पे मैंने ये क्लास ली थी इनपुट कंटेनर। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, और इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो वाइट दे दूंगा मैं, साथ ही इसका जो बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसका 8 पिक्सल दूंगा, मैक्स विड्थ इसकी 500px दूंगा, और विड्थ होगी इसकी 100%। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम विड्थ इसकी 500 ही होगी, बट जो हमने विड्थ 100% करी है तो अब ये 500 तक इसकी विड्थ पहुंच जाएगी। और इसकी पैडिंग 20px इसकी पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, टॉप से इसको 50% और लेफ्ट से भी 50%। और इसका जो ट्रांसफॉर्म, उसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट
दोनों साइड से 50px कॉमा 50% दोनों तरफ से 50% माइनस में देंगे फ्रेंड्स। इससे क्या हुआ कि जो हमारा कंटेनर है जिसका नाम है इनपुट कंटेनर, पहले तो हम यहाँ पे क्लास को सही करेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा इनपुट कंटेनर हुआ इससे पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट और टॉप से हमने 50% कराया जिससे कि वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, और प्रॉपर सेंट्रलाइज करने के लिए इसके ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर हमने यूज़ करी है प्रॉपर्टी ट्रांसलेट -50% -50% इससे प्रॉपरली सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये CSS की एक प्रॉपर्टी है। अब इनपुट कंटेनर के अंदर जो हमने टेक्स्ट एरिया लिया था, टेक्स्ट एरिया उसकी CSS लिखेंगे, उसकी लिखेंगे विड्थ जो होगी वो 100% लेंगे हम, और मीन हाइट 150px, बॉर्डर 1px सॉलिड, ये ग्रे कलर का इसका बॉर्डर दे दिया हमने। उसके बाद इसी इनपुट कंटेनर के अंदर जो हमने स्पैन टैग लिया था जिसका नाम हमने रखा था काउंटर बॉक्स, उसको पैडिंग टॉप से मैं 4px दूंगा, और डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन राइट इसको फॉन्ट फैमिली रोबोटो यूज करूंगा इसकी, और फॉन्ट वेट 500, और फॉन्ट साइज 14px, सेव करके पेज को रिलोड करूंगा। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया है, बैकग्राउंड इमेज आ गई है। तो मैंने यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया क्योंकि वो वाइट सा लग रहा था, मैच अलग सा नहीं लग रहा था। तो अब देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया तैयार हो गया है डिज़ाइन, और यहाँ पे लिमिट शो कर रहा है। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे, मतलब jQuery इसका कोड लिखेंगे। उसके लिए चलते हैं हमारे इंडेक्स पे, और हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो एक स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना है और क्लोज करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर के अंदर राउंड ब्रैकेट, उस पर लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन से बंद करके हम यहाँ लिखेंगे कि डॉलर, और यहाँ पे आईडी की डालेंगे टेक्स्ट एरिया की, और यहाँ पे पाउंड साइन के साथ इसकी आईडी का नाम लिख के लिखेंगे कि की आप, मतलब जब इस पर कोई प्रेस कर रहा है चाहे आप, मतलब अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब की अप हो रहा है, तो एक की अप होगा जब तब उसमें एक फंक्शन चलेगा, और फंक्शन चलेगा जिसके अंदर यहाँ पे आप एक लिख देते हैं इवेंट, और डॉलर आईडी होगी ये टेक्स्ट काउंट की आईडी, यहाँ से हम कॉपी करके पाउंड साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे कि जब यहाँ पे कोई टाइप कर रहा है टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो इस काउंटर बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट काउंट है उसकी जो वैल्यू है, सॉरी उसका जो टेक्स्ट होगा वो डॉलर दिस मीन्स चेकबॉक्स, उसकी जो वैल्यू है उसकी लेंथ, जितने इसके अंदर लेटर आ रहे हैं उनका टोटल यहाँ पे अब इससे प्रिंट होगा।
और वेरिएबल लेंगे यहाँ पे x, और दिस मीन्स टेक्स्ट एरिया, उसकी जो वैल है मतलब जो वैल्यू उसकी ngth, उसकी लेंथ इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉर्डर, जिसका बॉर्डर ऐड करना है कितनी वैल्यू के बाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ x 100 तक पहुँचता है तो उसका जो डॉलर दिस डॉट css, हम यहाँ पे इसकी css लिखेंगे बॉर्डर कलर कोमा डबल कोट्स के अंदर रेड कर देंगे। यहाँ पे लिखे 100 से अगर ऊपर होता है तो x मतलब टेक्स्ट एरिया, उसका बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा। इसी को कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे else पार्ट में लिख दूँगा, अगर 100 से नीचे होता है, मतलब यहाँ पे 100 से ऊपर होता है तो उसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, 100 से अगर नीचे या 100 के इक्वल होता है तो उसका बॉर्डर का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा। तो सेव करूँगा और पेज को करूँगा रीलोड। अब मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू करता हूँ, तो अभी देखिए ये नहीं चल रहा, चेक करते हैं क्यों नहीं चल रहा। तो देखिए इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दी। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा और अब रीलोड करके चेक करूँगा। तो देखिए हम प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं देखिए, और जब मैं इसको 100 के ऊपर ले जाऊँगा तो ये बॉर्डर का कलर आप देखिए चेंज होगा। अब देखिए 100 तक है, बिल्कुल ओके है। एक बटन प्रेस करते ये देखिए इसका जो बॉर्डर का कलर था वो रेड हो गया, और हम जब इसको टेक्स्ट एक कम कर देंगे तब ये नॉर्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।